हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियाज वेज एंड नॉन वेज रेसिपीज में। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है भरवा परवर, परवर की कलौजी, जो सिर्फ हम में तो इसी तरह से बनती है कलौजी जिस तरह से मैं आपको बताने वाली हूँ। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत हट के इसका टेस्ट है। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, परवर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो चलिए जान लेते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में। फ्रेंड्स, इसे अंग्रेजी में पॉइंटेड गार्ड कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम ट्राइकोसेंथेस डाइविका रुक्सब है। परवल को कई नामों से जानते हैं, जैसे कि पटोला, हरा आलू। और परवल में विटामिन ए, B1, B2, विटामिन सी पाया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण में रखता है। यह खून साफ करने में भी बहुत फायदेमंद है फ्रेंड्स, और प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, पाचन क्रिया को सुधारता है और पेट की समस्याओं में भी बहुत लाभकारी है। अगर किसी को एनीमिया की शिकायत है, यानी कि खून की कमी है, तो रोज़ाना उन्हें परवल दीजिए, या तो जूस निकाल कर दीजिए या तो सब्जी के रूप में दीजिए, लेकिन परवल ज़रूर खिलाइए, बहुत फ़ायदा करता है। सो फ्रेंड्स, हमने तो इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लिया, अब चलिए जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। हमने यहाँ पर परवल लिया है, परवल 500 ग्राम है। परवल कच्चा होना चाहिए, यानी कि हरा, और बड़ा होना चाहिए ताकि मसाले अच्छे से इसके अंदर भरा जा सके। 3 बड़े साइज के प्याज हैं। यहाँ पर हम पचफोरन लिए हैं। फ्रेंड्स, पचफोरन 5 मसालों का मिश्रण होता है, यह साबुत बीज होते हैं। इसमें मेथी के बीज, कलौजी, जीरा, राई और सौंफ बराबर बराबर होते हैं। 1 चम्मच साबुत जीरा लेंगे और 1 चम्मच धनिया साबुत लेंगे और 10-15 दाने काली मिर्च के हैं। लाल मिर्च लेंगे 4-5 और हरी मिर्च लेंगे 5-6 है। हींग लेंगे 1-2 पिंच। नमक 1.5 चम्मच स्वाद के अनुसार। हल्दी 1-2 चम्मच छोटी चम्मच से। यहाँ पर लेंगे भरवा मिर्च के अचार हैं, आप चाहें तो आम के अचार को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमचूर पाउडर 1.5 चम्मच। 15-20 लहसुन की कलियां हैं और 1-2 इंच अदरक का टुकड़ा है। 1 बड़ा प्याज हमने रफली चॉप कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, परवल को हम चाहें तो ऊपर से खुरच भी सकते हैं या तो फिर ऐसे भी बना सकते हैं। हम ऐसे ही बनाएंगे, बस ऊपर के सिरे से नीचे के सिरे को हम थोड़ा थोड़ा काट कर अलग कर लेंगे और बीच से हम कट करेंगे। पूरा हमें कट नहीं करना है ताकि ये जुड़ा रहे और इसमें मसाले अच्छे से भरे जा सकें। और इसके बीज को हम चम्मच से निकाल लेंगे, इस तरह से दबाने से आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए बहुत आसानी से निकल गया बीज। अब एक और आपको दिखा देते हैं करके। देखिए इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करने पर हम निकाल सकते। और आप चाहें तो नाइफ की मदद से ऐसे बीजों को अलग कर सकते हैं या फिर हाथों से मसल कर अलग कर सकते हैं। हमने प्याज को भी बहुत फाइन चॉप कर लिया है। देखिए अब मसालों को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको रोस्ट कर लेंगे। मसाले जब चटकने लगे, हल्की सी खुशबू आने लगे, तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और मसालों को हम ठंडा कर लेंगे। अब एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें सारे मसालों को हम डाल देंगे और लाल मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और अमचूर पाउडर को डाल देंगे। मिर्च का अचार, प्याज सबका हम पेस्ट बना लेंगे। अब हमारे मसाले अच्छे से पीस चुके हैं, अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अब कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे 2 बड़े चम्मच। अब परवल को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। परवल को हमें 90% तक अच्छे से पका लेना है। आप चाहें तो मसाले भरने के बाद भी इसे फ्राई कर सकते हैं। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हम धीरे धीरे इसे फ्राई कर लेंगे और ढक्कन लगा लगा कर बीच में हम चेक करते रहेंगे हर 2-2 मिनट पर। ऐसे करते हुए हम सारे परवल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए हमने सारे पॉइंटेड गार्ड को, यानी परवल को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा और सरसों का तेल डालेंगे,
यानी मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद हम डालेंगे फाइन चॉप किए हुए प्याज को। और पहले प्याज को हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही हाई फ्लेम पर भूनेंगे, उसके बाद हम बीज को डालेंगे। अब हम बीज को डाल देते हैं, इसको भी हाई फ्लेम पर ही हमें तब तक भूनना है जब तक कि दोनों का कलर और चेंज ना हो जाए। अनियन और पॉइंटेड गार्ड को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक हाई फ्लेम पर ही भूनना है। देखिए दोनों का कलर चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने मसालों का पेस्ट तैयार किया है, इसको डाल देंगे। हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे और इसको धीरे धीरे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको भूनेंगे जब तक कि मसालों से तेल अलग ना हो जाए और एक खुशबू भी बढ़िया से आने लगती है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, मसालों से तेल अलग हो रहे हैं और एक बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है। अब मसालों को हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे और परवल में फिल कर लेंगे। हमारे परवल भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं, मसाले भी ठंडे हो गए हैं। अब हम परवल में फिल कर लेते हैं मसालों को धीरे धीरे, हल्के हाथों से हम थोड़ा सा अलग करेंगे, थोड़ा सा फैलाएँगे और मसालों को अच्छे से अंदर हम फिल कर लेंगे। आप चाहें तो स्पून से कर सकते हैं या फिर हाथों की सहायता से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हाथों से बहुत आसानी से जल्दी जल्दी हो जाता है, आप जैसे चाहें वैसे फिल कर सकते हैं। अब दोनों साइड से हम चिपका देते हैं, ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं। ऐसे ही हम सारे परवल में फिल कर लेंगे मसालों को। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 1 चम्मच ऑयल लेंगे या तो फिर बिना ऑयल के भी आप इस तरह से परवल को रख सकते हैं। और गैस का फ्लेम हम एकदम स्लो कर देंगे। सारे परवल को रखने के बाद हम कवर लगा देंगे, ढक्कन लगा देंगे और 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही इसको पकने देंगे। फ्रेंड्स, अब 2 मिनट के बाद इसको हम पलट लेंगे सारे परवल को और अच्छे से हम फिर से कवर कर देंगे और फिर 2 मिनट बाद हम चेक करेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर हम स्लो ही रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे वरना ये जल जाएंगे। और सारे परवल को फिर हम पलट लेंगे, सारे परवल को हमने टर्न कर लिया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और हमारे भरवा परवल बनकर तैयार है, अब इन्हें हम सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, लग रही ने मुँह में पानी ला देने वाली से, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आप इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो अभी तुरंत कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।